सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 डिवाइस के बारे में। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ी बिग न्यूज है जो कि यहाँ पे सामने निकल के आ रही है इसी सैमसंग गैलेक्सी M21 डिवाइस के बारे में। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा मेसिव अपडेट है, बहुत ही मेजर अपडेट है जो कि यहाँ पे फाइनली रिलीज कर दिया गया है सैमसंग की ओर से। सो आज की वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। सो कंप्लीट इस वीडियो को देखते रहिए। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ही लंबे समय के बाद में यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M21 जो डिवाइस है इसके लिए यहाँ पे फाइनली One UI 3.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है जो कि यहाँ पे फाइनली रिलीज कर दिया गया है सैमसंग की ओर से। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इस अपडेट के बारे में। इस अपडेट के अंदर आपको लेटेस्ट जनवरी का सिक्योरिटी पेज लेवल का जो अपडेट है वो आपको इसके साथ में देखने को मिलता है। और लगभग आपको यहाँ पे 1500 से ऊपर MB की इसकी टोटल साइज है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। सो बहुत ही बड़ा मेजर अपडेट है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ में आपको एंड्रॉइड 11 का जो भी अपडेट है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और UI 3.0 के अंदर आपको बहुत सारे कमाल के जो फीचर्स हैं वो तो यहाँ पे कन्फर्मली देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो अपडेट है One UI 3.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 ये एक आपको स्टेबल अपडेट है जो कि यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। कोई भी बीटा वर्जन है वो यहाँ पे नहीं है, एकदम स्टेबल अपडेट है। मतलब कि आपको किसी भी प्रकार के जो बग्स है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाले, एकदम क्लीन आपको बिना बग के फ्री ये One UI 3.0 का जो अपडेट है जो कि यहाँ पे फाइनली रिलीज कर दिया गया है सैमसंग की ओर से। मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी M21 डिवाइस है लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है। मैं जब भी वो डिवाइस मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल पे वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपको यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं इसी One UI 3.0 अपडेट के अंदर, और क्या आपको ये अपडेट है जो कि यहाँ पे करना चाहिए या नहीं। सो कंप्लीट मैं आपके लिए रिव्यू है जो कि यहाँ पे इसी चैनल पे लेके आने वाला हूँ एक दिन के अंदर ही। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।